नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की, एनएससी इक्विटीज की। जितनी भी बातचीत मैं करता हूं वो एनएससी इक्विटीज के स्टॉक्स होते हैं, यानी कि कोई एफेंडो और फ्यूचर्स के कॉल नहीं होते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन समझ लेते हैं। अगर बाय कॉल है तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं जब तक उसका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं होता। सेल कॉल है तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंट्राडे काटना होता है। अगर कोई स्टॉक टारगेट से ऊपर या फिर स्टॉप लॉस के आसपास खुल जाए तो हम उसका एग्जीक्यूशन अवॉइड करते हैं। इन स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियों के आधार पर भी आप लोग कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। मई मंथ डिफिकल्ट तो रहा है, लेकिन पैसा नहीं खोया, ये उसका सेटिस्फेक्शन है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, मुझे ऐसा लगता है कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने वाले तो बर्बाद ही हो गए होंगे। और अपने को बचाया है किसने? मैजिकल लेवल्स ने। चलिए आज की स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को आज के लिए पहले अपन कर रहे हैं पोस्टमार्टम, फिर करेंगे कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत, यानी 31 मई 2022 की रणनीतियां मैं आप लोगों को पहले पोस्टमार्टम करने के बाद बताऊंगा। रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करने का था 2593 के आसपास, 260610 का स्टॉप लॉस था। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि अगर कोई स्टॉक स्टॉप लॉस टारगेट पे खुल जाता है तो हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। 1615 के आसपास की इसकी ओपनिंग हुई। आज रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया चला और मार्केट को भी उसी ने बचा के रखा। इसको परफॉर्मेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है। दूसरा स्टॉक लिया था विप्रो, 475 के आसपास सेल करना था, 476.10 का छोटा सा स्टॉप लॉस था। 460 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 473.15 का लो पोस्ट किया है, 481.50 का इसने हाई पोस्ट किया है, 476.25 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। ये एक हमारा स्टॉक एग्जीक्यूट तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कहीं नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब 9.9 के आसपास जब बाजार खोले तो 976 के आसपास ही चल रहा था। हालांकि मैंने इसको परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड किया है और 0.30% का लॉस बुक किया है। तीसरा स्टॉक लिया था सिप्ला, 973 के आसपास सेल करना था, 976.10 का स्टॉप लॉस था छोटा सा, 950 के टारगेट थे। इसने भी 968 का लो पोस्ट किया, 992 का हाई, 986.50 के आसपास की क्लोजिंग आई। ये भी मोर लेस सारी इंडेक्स की बात, इंडेक्स के ऊपर अगर अपन स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आप लोगों को क्या पूरी दुनिया को मालूम था कि एज पर SGX निफ्टी और एज पर ग्लोबल मार्केट कि बाजार ऊपर गैप अप ओपन होने वाले हैं, हूबहू वही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया भी होगा तो बहुत कम नुकसान। सिप्ला में 0.34% के आसपास का नुकसान, तो ओवरऑल देखा जाए तो 0.65% का टोटल नुकसान। चौथा स्टॉक लिया था ITC, 272 पे सेल करना था, आज इसका हाई 271 का है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, 1 रुपये की वजह से रह गया। तो अब 0.6065% का नुकसान। जैसा आप लोग जानते हैं कि आप अपनी कैपिटल को 4 भागों में बांट देते हैं, 1 भाग एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 0.65% का नुकसान 2 कॉल में है तो इवेंचुअली 0.30% का नुकसान टोटल कैपिटल पे, विच शुड बी एक्सेप्टेबल। बात करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। वापस से मैं सेल की रणनीति तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ अभी बाय करने के लिए। बाकी आप लोगों को अगर ठीक लगे तो करिए, ना लगे तो अवॉइड कर दीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करेंगे 2693 2700 के आसपास, 272610 का स्टॉप लॉस, 2625 के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा हमारा ICICI बैंक, 758.50 761 के आसपास सेल करेंगे, 766.10 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 733 के टारगेट। तीसरा स्टॉक होगा हमारा सनफार्मा, 895-898 के आसपास सेल करेंगे, 911.60 का स्टॉप लॉस, 868 के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा भारती एयरटेल, 708.50-711 के आसपास सेल करेंगे, 713.60 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 686 के टारगेट। कोशिश किया हूँ ऑलमोस्ट रिलायंस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनके आधार पर कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी जरूर बनाई जा सकती है। तो अब आप लोगों के पास स्टॉप लॉस है, एंट्री लेवल है, टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है वीडियोस को देखने के बाद फाइनेंशियल मार्केट में, स्पेशली इक्विटी मार्केट में एग्जीक्यूशन करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पे आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा, और एटलीस्ट मुनाफा ना बनाए तो कुछ पैसा बचाने में समर्थ होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। ऊपर आई बटन में पास वीडियोज़ के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की और इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी समझ में आए।
है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।